बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ फ्रॉम यूके, इंग्लैंड एंड द सिटी ऑफ बर्मिंघम। तो आज मैं आपको बताऊँगा अबाउट वर्क वीज़ाज इन द यूके। पहले मैं आपको एजुकेशनल प्रोसेस के बारे में बताता रहता हूँ क्योंकि मैं खुद स्टडी रूट पे आया था। बट नाउ अ डेज यूके में बहुत ज़्यादा टाइप्स के जो हैं वो स्पॉन्सरशिप भी इशूज़ हो रहे हैं, लाइक वर्क वीज़ा भी। ठीक है, तो वर्क वीज़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, हेल्थ केयर के भी होते हैं, टेक अवेज़ के भी होते हैं, नर्सिंग फील्ड के होते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम के होते हैं। और इनकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्राइस बताऊँ, प्राइस स्टार्ट होती है 12 to 13,000 pounds से लेकर 23-25,000 pounds तक। तो इसमें ये है कि सबसे पहले जो दो एग्ज़ाम के वीज़े होते हैं, इसमें एक ये होता है कि एक आपको मिलता है विद वर्क और दूसरा मिलता है विदाउट वर्क। तो मैं आपको ये बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि सस्ता वीज़ा मिल रहा है, विदाउट वर्क ले लेते हैं, वहाँ जाके कोई भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा सीन यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रेड्स भी पड़ रही हैं आजकल, ठीक है, जो हमने देखी हैं। पहले इतना कोई सीनैरियो नहीं था, लेकिन आज सीनैरियो जो आप विदाउट वर्क लेके आती हैं, उस स्पॉन्सरशिप की बेस पे जो आपको यहाँ पे BRP कार्ड मिलता है, उस पर स्पेसिफिक लिखा होता है कि आप कौन सी फील्ड की जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ केयर का लेके आ रही हैं, तो आपने किसी ऐसी कंपनी से लिया है जिसमें मतलब कि काम नहीं है, आप यहाँ वर्क वीज़ा लेके आए हैं, लेकिन जो आपका BRP होगा ना, जो इशू होगा, उसमें सिर्फ हेल्थ केयर ही लिखा होगा, हेल्थ केयर के अलावा आप कहीं काम नहीं कर सकें। डेफिनेटली जिस कंपनी में आप आए हैं वहाँ काम नहीं होगा, तो और उसके अलावा कहीं और दूसरी जगह आप काम कर नहीं सकते। इसका मतलब आप टोटली इलीगल होंगे अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं, और काम किए बगैर यहाँ सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल होता है, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बाकी ये है कि वर्क वीज़ाज की इंफॉर्मेशन भी है हमें, हम उनके साथ भी डील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 to 3 केसेस जो हैं वो हमारे सबमिट हो चुके हैं होम ऑफिस में, और इंशाल्लाह एक और दो तो ऐसे हैं जो मतलब कि बस एंडिंग प्रोसेस में हैं, उनका कासम है। तो आप सब से भी यही रिक्वेस्ट है, यही उम्मीद है कि आप विदाउट जॉब वाले स्पॉन्सर लेके ना आए, और दूसरी अगर आपको स्पॉन्सरशिप के लिहाज से, वर्क वीज़ा के लिहाज से आप किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपसे हमसे इस ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अपनी ID दूसरी भी मेंशन कर देंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे, इंस्टा भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।